गाइस हम लोग का एग्जाम हो चुका है खत्म और आज है दूसरा दिन और आज हम लोग जा रहे हैं अपने एसएससी कैंप के लिए। तो हम लोग पहले आप लोगों को नहीं दिखा सके हैं, तो अभी हम लोग सब लोग तैयार होकर अपना सामान वामान बांध के 15 दिनों के लिए जा रहे हैं एसएससी कैंप। 2 राउंड में जाएंगे शायद लोग, तो अभी हम लोग जाते हैं वहाँ पे, सब बातें देखते हैं, आप लोगों को बताते हैं एसएससी कैंप के बारे में पूरे डिटेल में बताएंगे। अभी हड़बड़ी में बना रहे, टाइम नहीं था सुबह से। चलिए तो देख सकते हैं आप, सारा सामान वामान हम लोग बांध चुके हैं, सब में एक्साइटमेंट भी दिख रहा है। मयंक अभी पैकिंग कर रहा है और इधर सब लोग बाकी लोग तैयार हो चुके हैं। तो फिर से आप लोग देख सकते हैं सामान वामान लोड होते हुए, जैसा कि उसी के टाइम था, लेकिन उसी हम लोग का पास में ही बापू कुटी है, यहीं 1 किलोमीटर पे वहीं हुआ था, लेकिन ये एक अलग गांव में जाके 10-15 किलोमीटर दूर पे होने वाला है। तो बस चलते हैं और मिलते हैं। और ध्रुव जा रहे हो तुम, सामान वामान लाद दिए, मजा आ रहा है? इधर डालेंगे। कल एग्जाम कैसा गया? कल तो एग्जाम तो ठीक था। और वो कार्ड जो बनाया है वो घर पे किसी को दिखाया हो? हाँ, ये जा रहा है व्लॉग में बना रहे तो आप लोग देख सकते हैं कि ये हमारे गार्ड आ चुके हैं और 30 लड़के जा रहे हैं पहली बार में। हम लोगों ने सोचा है कि अब सेकेंड टाइम में ही जाएंगे। गाइस बीच एसएससी में हम लोगों का फोटो शूट भी चल रहा है, ये लोग लगे हुए हैं और पहली खेप जा चुकी है 30 बच्चे की और अभी हम लोग बाकी लोग यहाँ पे बचे हुए हैं। यहाँ पे कुछ लोग थक हार के आराम विराम भी करने लग रहे हैं। और सोनम कैसा एक्साइटमेंट तुम्हारा, एग्जाम कैसा गया? और प्रथम और ब्रो अभी हम लोग बस का इंतजार करते करते थक चुके हैं और फिर भी इंतजार ही करते जा रहे हैं। और इधर इस रूम में भी महफिल जमी हुई है। ला भाई खा लेते थोड़ा सा। और मनोज जी बढ़िया, रिकवर कर गए? इनका इनका हेल्थ थोड़ा डाउन चल रहा था अभी, तो अभी ये रिकवर कर रहे हैं। और प्रथम बहुत टेंशन में लग रहे हो। बहुत टेंशन में लग रहा है, बाकी लोग इधर भी हैं, सब वेट इंतजार कर करके थक चुके हैं। बस के लिए रुके हम, बस लेट होगी काम। और ध्रुव पानी देना भाई, थैंक्स। सब थक चुके हैं इंतजार कर करके, बस अभी हमारी बस आ नहीं रही, एक बार जा चुके हैं। और अर्जुन कैसा लग रहा है एसएससी में जाने के लिए? मस्त लग रहा है। सारा सामान वामान पैक? हाँ, पैक हो गया। चलो ठीक है, तो बस चल के दिखाते हैं। अरे गिरना नहीं था भाई, बिल्कुल कर दियो बस। नहीं भाई, उसी से तो व्यू आता है। हमारा वो आ चुका है बस, सेकेंड राउंड है और हमारा बस आ चुका है। हम लोग सब लोग जा रहे हैं। भैया अभी आ जाइए, अरे आ जाइए कुछ। तो गाइस अभी अपना सामान डाल दिया है, बाकी लोग डाल रहे हैं, तब लोग हम लोग चलते हैं पेट्रोल लेने। और मनोज जी चलते हैं सामान लेके आते हैं। बहुत ज़्यादा गर्मी है अभी, अभी नॉर्मली बिहार में तो ठंडी है, चाहे बाकी उत्तर बिहार उत्तर भारत में अभी ठंडी है, लेकिन यहाँ वर्धा में बहुत ज़्यादा गर्मी आ गई है। तो आप लोग देख सकते हैं बस ने भी अपने कपड़े उतार दिए हैं, सबसे ज़्यादा टेक्निकली एडवांस लॉन्ड आया, सबसे ज़्यादा क्यूटी लैपी वो आया। चलो तो बस चलते हैं अब फाइनली। आप भी इधर ही रह गए सर, लेट आप बहुत लेट करते हैं। और क्या ब्रो, बस तुम्हारे चलो। तो गाइस आप लोग अभी बस का हाल देख सकते हैं कि पूरा एकदम ठूस ठूस के भरा जा चुका है, हम लोगों के बैठने की भी जगह नहीं है, बहुत कम है, आगे तक पूरा ठूस ठूस के भरा हुआ है। और साहिल भाई
मस्त, सब बढ़िया, सब बढ़िया ना। बस तुम ही चलाने वाले हो क्या? नहीं। अच्छा, हम कंडक्टर है बोलना। ध्रुव कंडक्टर कौन है? कंडक्टर तो हम है। अच्छा चलो बढ़िया, सबको लेके चलते हैं। बस शुरू होते ही खत्म हो गया इधर। और बोलना भाई। इक्की दुक्की पार की जय कन्हैया लाल की, इक्की दुक्की पार की जय कन्हैया लाल की, गणपति बाप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। मजा आ रहा है फुल मजे में सब। आशुतोष भैया, आशुतोष वाला सब राहू रे रानी तेरा में जब से। गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं, अब सब लोग उतर रहे हैं, बस यहीं पे हम लोगों को रहना है शायद, तो उतर के देखते हैं कहाँ रहना है क्या है। तो गाइस सब लोग सारे सामान वामान उतर चुका है और हम लोग आ चुके हैं, और यही है जहाँ पे हम लड़के लोगों को रहना है, तो हम लोगों के लिए भीतर अरेंजमेंट किया गया है। और इधर इधर से कुछ टेंट वेंट लगा के इधर दो रूम है, हॉल है, उसी में हम लोगों को रहना है। तो एक रूम ये है और एक सामने वाला है, बाकी अभी कुछ लोग एडजस्ट हो ही रहे हैं। तो ये रूम है एक, आप लोगों को दिखाते हैं। तो एक रूम ये है जो थोड़ा नया बना हुआ है, और इसमें सब सब लड़के लोग हैं जो भी एडजस्ट हो रहे हैं, अपना सामान वामान ठीक ठाक कर रहे हैं। और कैसे हो भाई, मजा आ रहा है? रूम में एडजस्ट हो गया? चलो बढ़िया। तो एक रूम ये था, और इसके जस्ट बगल में हम लोगों का ये दूसरा रूम है, ये थोड़ा पुराना है जिसमें हम लोग हैं। तो बस हम लोगों का सामान वामान है इधर, अब एडजस्ट करना है हम लोगों को, शिफ्ट करना है इधर, बस वेट कर रहे हैं। तो अभी हम लोगों को यहाँ पे बुलाया गया है, यहाँ पे शायद हम लोगों का स्वागत के लिए गांव वाले लोग मौजूद हैं, और हम लोगों को यहाँ पे लाइन लगा के खड़े होना है। अभी यहाँ पे काउंटिंग वाउंटिंग होगी, और हम लोगों को ये हम लोगों के स्वागत की कुछ तैयारी हो रही है। तो यहाँ पे हम लोगों के स्वागत की तैयारी हो रही है, और ये लोग अपना कुछ गाना वाना गा के हम लोगों के स्वागत करेंगे। कुछ बच्चे बच्चे भी आ गए हैं फूल फूल लेके, और यहाँ पे ये लोग गाना वाना गा ही रहे हैं। तो बस देख सकते हैं आप लोग कि कैसे यहाँ पे एक एक बच्चे का स्वागत हो रहा है। पहले गान गाया गया, फिर फूल फेंक के और चंदन वंदन लगा के सबका स्वागत किया गया है, और अब हम लोगों को भीतर बैठने के लिए बोला गया है। और यहाँ पे ये लोग ने कुछ रंगोली वंगोली भी बनाई है, तो बस चल देखते हैं अब क्या होता है यहाँ पे। हम लोगों को बैठ के कुछ आज कैंप के बारे में बताया जाएगा कि क्या क्या हो। सब लड़कों का स्वागत वागत हो चुका है, सब लोग बाकी फ़ोटो वोटो लेने मगन है, और हमारे बैच की सब लड़कियाँ भी आ चुकी हैं, और सब लोगों का भी स्वागत होगा। उसके बाद फिर यहाँ पे बैठना है, और यहाँ पे हम लोग को आज कैंप के बारे में बताया जाएगा सारी बातें। तो यही सब है गाइस।
और ये हमारे पीजी वाले सर लोग हैं, सामने कुछ स्टेज है और ये हम लोग इधर बॉयज इधर गर्ल्स बैठे हुए हैं। और अब हम लोग को कैंप के बारे में बताया जाएगा कुछ इंट्रोडक्शन, और उसके बाद देखते हैं फिर और क्या क्या होने वाला है। ये लोग गांव वाले लोग हैं जो अभी हम लोग का स्वागत कर रहे थे, स्वागत गान। काफ़ी मज़ा आ रहा है यहाँ पे, ये लोग हम लोग को काफ़ी ज़्यादा इज्जत दे रहे हैं। तो देखते हैं फिर आगे आगे क्या होने वाला है, अब तक के लिए। अभी हम लोग का ये सेशन हो चुका है ओवर। हम लोगों को कैंप के बारे में बताया गया है कि कैसे रहना है गांव में, क्या करना है, गांव के लोगों की क्या क्या प्रॉब्लम्स होगी जो हम लोगों को मेनली देखनी है। अब उसके बाद फिर अब हम लोग जा रहे हैं, हम लोगों को चाय वाय पिलाया जाएगा। तो हम लोगों का स्वागत किया गया पहले फूल दे के, आरती करके, फिर गाना गा के। हाँ, वो लोग डांस करके चल रहा था और स्वागत किया गया हम लोगों का। फिर ऐसा ही है, मज़ा आ रहा है गांव में आके। गाइस, हम लोग हैं अपने एसएससी कैंप में और अभी है शाम का समय, तो हम लोग बस गांव में घूम रहे हैं। अभी हम लोगों को बताया गया है कि कैंप में क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना है, कैसे हम लोगों को यहाँ के लोगों के साथ मिलना जुलना है, उनकी समस्याएँ सुननी हैं और उनके बारे में बात करनी है और उनके समस्याओं को सुलझाना है। तो अभी हम लोग सब चीज़ करके जा रहे हैं वापस अपने रूम में। चलो, तो यही वो प्लेस है जहाँ पे हम लोग को ठहराया गया है। रात में कुछ ऐसा दिखता है, सामने पानी की टंकी है और ऐसा रोड के एकदम किनारे है, तो यहाँ का व्यू काफ़ी अच्छा है। और कल सुबह में जब हम लोग गाँव के लोगों से मिलेंगे, और ये हमारे CR साहब हैं, तो आप लोग इनसे मिल सकते हैं। और सर, आप कुछ बताने का कष्ट कीजिएगा। जैसे कि आप देख रहे हैं कि अभी हम जो अभी मध्य में पहुंच चुके हैं, पूरे हमारा जो बैच है पूरा मध्य में पहुंच चुका है। और अभी आज जो है कैंप का पहला दिन है, तो कैंप के जो इंचार्ज है हमारे डॉक्टर अनुज सर, जो कि अपने ही कॉलेज के MBBS स्टूडेंट है, वो इस कैंप को मतलब जैसे अपना इंसुलर डिनर का हमारा समय हो रहा है, तो डिनर के लिए हम जो है अभी जाने वाले डॉर्मेटरीज है गर्ल्स की, वहाँ पे जाएंगे। और उसके बाद क्या 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 वो जो गर्ल्स की डॉर्मेटरीज, प्रशांत खुश हो रहा है, हम जाएंगे डिनर करने के लिए। और उसके बाद जो है फिर से अपनी मीटिंग हॉल में मीटिंग होगी और फैमिलीज का अलॉटमेंट होगा। और कल जो इनॉग्रेशन फंक्शन होगा, तो उसमें जो हमारे वर्धा के जो CEO है, हाँ, सर CEO, तो वो तो दोस्तों अभी आप लोगों ने मिला प्रशांत दिघे से, जो कि हम लोग का है CR क्लास का क्लास रिप्रेजेंटेटिव। और चलिए चलते हैं वापस अपने रूम में, थोड़ा पानी वानी पीते हैं, डिहाइड्रेशन फील हो रहा है। तो दोस्तों, ये हमारा यहाँ का डिनर अरेंजमेंट है। हम लोग डिनर विनर करने आए इधर, यहाँ पे लड़कियाँ रहती हैं, इधर पे ही अरेंजमेंट है। तो अभी आप लोगों को दिखा रहे हैं कैसा है। तो गाइस, यही वो जगह है जहाँ पे हम लोग को खाना खाना है रात को, और हम लोग आ चुके हैं इधर। गर्ल्स लड़कियों के रहने का व्यवस्था यहीं पर है। और ये है हम लोग का आज का खाना, कुछ शायद और कुछ आना बाकी है, रोटी चावल यही रहेगा। और ये लड़के लोगों को सर कुछ बता रहे थे, और ये हमारा प्रथम है, आप लोग इसकी स्माइल देख सकते हैं। तो गाइस, हम लोगों ने खाना वाना खा लिया है सब लोग, अभी हम लोग कैंप में जमा है रात में। यहाँ पे हम लोगों को कुछ बताया जाएगा, और हम लोग को एक जर्नल मिला है। ये जर्नल हम लोग को यहाँ का सारा रिपोर्ट जो हम लोगों ने यहाँ सीखा, यहाँ का एक्सपीरियंस, वो सब इसमें लिखना है। और भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं, तो उन लोगों को लिखना है, और बाकी का हमारे दोस्त बताएंगे। जर्नल्स में बहुत सारी डिटेल दी गई है जिसके बारे में हमें सबको बताना पड़ेगा। ये हमारे बैच के कुछ लड़के हैं वॉलेंटियरली ये बांट रहे हैं, और बाकी हम लोग ऐसे ही बैठते हैं। पीछे ये गांव का पूरा है कुछ, जहां पे सब लोग आके बैठ सके वैसा कुछ बना है। और पीछे ये मंदिर है हनुमान जी का, और बस वही हम लोग के सर लोग हैं। अब ये जर्नल बांटा जाएगा, उसके बाद हम लोगों को बताया जाएगा कि हम लोगों को क्या क्या लिखना है, और उसके बाद जो होगा वो आप लोगों को फिर से दिखाते हैं। दिन हो चुका है समाप्त, अब हम लोग जा रहे हैं वापस अपने रूम में सोने। हम लोगों को ये फाइल मिला है जो इसमें पूरे कैंप की सारी डिटेल्स, सारी इन्फॉर्मेशन, सारा जो जो कुछ हम लोगों ने सीखा वो सब लिखना है। और आगे 5 सालों तक इसमें और भी बहुत कुछ लिखना है, जो कि बता रहे थे अभी सर, हम लोगों ने ध्यान से सुना नहीं है। तो चलो ठीक है गाइस, बाय।
अगर कुछ और हुआ दिखाने लग तो दिखाएंगे, नहीं तो यही ब्लॉग का एंड है। गुड नाइट।